हेलो एवरीवन, साइंस एमकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल इंडिया के सभी नर्सिंग वालों के लिए आरआरबी स्टाफ नर्स वैकेंसी को लेके सोने पे सुहागा जैसी कुछ खबरी यहाँ पे जारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी स्टाफ नर्स की तरफ से फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अलावा आपका फुल सिलेबस यहाँ पर जारी कर दिया गया है और आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा आपका सैलरी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फॉरम फीस आदि जानकारी यहाँ पे जारी कर दी गई है। यहाँ पर अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो काफ़ी सारे जोन आपके आरआरबी स्टाफ नर्स के रहने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट पर आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं आरआरबी स्टाफ नर्स का। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, और यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, आपको दिखाई देगा पैरामेडिकल कैटेगरी। तो पैरामेडिकल कैटेगरी में आपका जो वैकेंसी है, नंबर 6 पे देखिए आपका स्टाफ नर्स का साफ साफ लिखा हुआ है, और सबसे ज़्यादा पोस्ट वैकेंसी स्टाफ नर्स की रहने वाली है आरआरबी स्टाफ नर्स के लिए, और यहाँ पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट भी रहने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपको कब से भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है, और आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहेगा। तैयारी अभी से शुरू कर दो आप लोग, क्योंकि 100% यहाँ पर सिलेक्शन के चांस है नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होने के कारण। यहाँ पर स्टाफ नर्स के अलावा पैरामेडिकल कैटेगरी की भी काफ़ी सारी वैकेंसी है, और फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है, फार्मासिस्ट ग्रेड 3, और इसके अलावा लैब सुपरिटेंडेंट, और इसके अलावा यहाँ पर देख पा रहे होंगे लैब असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, और स्पीच थेरेपिस्ट, रेडियोग्राफर, फील्ड वर्कर, काफ़ी सारी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं। आपका देखो यहाँ पे CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस टेस्ट होगा। तो पहले आपको सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, ये पहले आपको पता होना चाहिए। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि आरआरबी स्टाफ नर्स में 70% का जो वेटेज है वो आपके नर्सिंग प्रोफेशनल का रहने वाला है। 70% क्वेश्चंस आपके नर्सिंग प्रोफेशन से पूछे जाएंगे, तो सिलेक्शन के चांस और ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको एनाटॉमी पढ़ना होगा, फिजियोलॉजी और न्यूट्रिशन, इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री और नर्सिंग फाउंडेशन, और इसके अलावा साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, और आपका जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और OBG। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आरआरबी स्टाफ नर्स में जनरल अर्थमेटिक सिलेबस से पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका रहेगा, एक तो बोर्डमास का नियम आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा डेसिमल्स, फ्रिक्शन और LCM, HCF आपने पढ़ रखा है, LCM पढ़ रखा है आप लोगों ने, HCF पढ़ रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और परसेंटेज जो बेसिक होती है ना, परसेंटेज निकालना, वो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सरल और चक्रवर्ती ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत ही ज़रूरी है, ज्योमेट्रिक, ये बेसिक है, इन विषयों से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की। यहाँ पर इस विषय से आपके देखो ये जो आप देख पा रहे अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ डायग्राम भी आपके रहेंगे, और इस प्रकार से आपका अधिकतर
आप देख पा रहे डायरेक्शन, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग और रिलेशनशिप्स। अब काफ़ी सारे यहाँ पर बोल रहे थे सर जनरल साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो देखो जनरल साइंस जो आपका 10वीं लेवल का है अधिकतर क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, आरआरबी स्टाफ नर्स में। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं, जैसे कि लाइफ साइंस हो गया, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो आप पढ़ के आए हो, बेसिक पूछा जाएगा बिल्कुल आपका, वो तो हम तैयारी करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, क्योंकि ये चैनल ही नर्सिंग फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल वालों का है पूरा का पूरा, तो सब्सक्राइब तो बनता है करना। ये आपसे पूछे जाने वाले हैं जनरल साइंस में। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितना टाइम आपको मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसको कंडक्ट कराने वाला है वो है आपका रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है, आरआरबी पोस्ट रहेगा आपका स्टाफ नर्स का। और नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वो रहने वाली है 678। इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है आरआरबी स्टाफ नर्स का, ये नेशनल लेवल पे रहने वाला है, और यहाँ पे सीबीटी आपका एग्ज़ाम होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर ये रहेगा। अब यहाँ पर देखो 100 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, कितने 100 क्वेश्चन, और 90 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है पेपर को सोल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है 1/3, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना क्योंकि ये परमानेंट भर्ती है, तो परमानेंट भर्ती में तो नेगेटिव मार्किंग रहता ही रहता है। अब यहाँ पर क्वालिफाई नंबर कितना आपको चाहिए, अनरिजर्व वालों के लिए 40%, ओबीसी और एसटी वालों के लिए 30%, इसके अलावा एसटी वालों के लिए 25%, ये यहाँ पे क्वालिफाई परसेंटेज आपका रहने वाला है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आरआरबी स्टाफ नर्स में फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो देखो इसका फॉर्म जेएनएम वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, बीएस नर्सिंग वाले भी भर सकते हैं, एमएस नर्सिंग वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। आपके मन में जो डाउट था कि सर क्या इसको जेएनएम वाले भी भर सकते हैं, तो बिल्कुल, ठीक है। और एज का लिमिट रहेगा आपका 21 से 40, ये एज लिमिट आपको पता होना चाहिए, और वैसे सरकार के द्वारा एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। फिर यहाँ पर बात करेंगे फॉरम फीस की, तो कैटेगरी वाइज अलग अलग फॉरम फीस रहेगा, जनरल वालों का 500 रुपये, EWS वालों का 500 रुपये, OBC वालों का 500 रुपये, SC वालों का 250 रुपये और ST वालों का 250 रुपये। ये देखिए पूरा अपडेट। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फॉर्म आपको कब से भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। तो देखिए आपको अटैच करना होगा 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, और आपका नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा, और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, और एक ID प्रूफ, ये डॉक्यूमेंट्स की नीड रहने वाली है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि फॉर्म आपको कब से भरना है, तो इस नोटिफिकेशन जून में जारी हो गया था, ठीक है, तो जुलाई के लास्ट तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा इसका, है ना, बहुत ही जल्द इसका लिंक एक्टिवेट होने वाला है क्योंकि सिलेबस जारी कर दिया आरआरबी ने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे लिंक एक्टिवेट होगा हम वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। बाकी ये MKS Bro 5 टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डाल दिया है, PDF और लिंक यहाँ पर सेंड कर देंगे।